हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज सोचा था कि अगर जो है ना डीलर राइट पेयर होता ना और फर्स्ट टर्न हमारी होती तो भाई हम जो है ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर सकते थे, क्या पता। बट कोई नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट वाला बंदा प्ले करा और 20 पॉइंट वाला बंदा प्ले करा, बस यही हम चाहते थे कि ये बंदे प्ले करें और ऐसा ही होता है, ये बंदे प्ले कर रहे हैं। तो हम चाहते तो ये हैं कि हम जो है ना ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दें, बस ये बंदा जो है ना 67 पॉइंट वाला बंदा कोई ऐसा कार्ड डिस्कार्ड करे जिससे कि हम जो है डायरेक्ट डिक्लेयर कर पाए और इन बंदों के इजी 80 पॉइंट लग सकते हैं अगर इनकी प्योर से कोई नहीं हुई तो। लेकिन ये बंदा तो भाई ड्रॉ पिक कर देता है। खैर कोई नहीं, हम क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। अब किंग तो हमारे लिए कुछ खास वैलिड है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड भाई मतलब वैलिड कार्ड ही नहीं है, अब क्या ही करें। अब यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि 7 डिस्कार्ड करूँ या फिर 8 डिस्कार्ड करूँ, क्योंकि देखो कार्ड दोनों पिक होने के चांसेस हैं। सो मैं यहाँ पे 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि वैसे ही क्योंकि हमने तो 8 ऐसे ही डिस्कार्ड किया था। और देखो इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिया और देखो 8, और फाइनली गैस इस बंदे ने 8 डिस्कार्ड कर ही दिया। खैर हम क्लब 7 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ
वैसे मुझे डाउट है कहीं बंदा पिक ना कर ले, क्योंकि यहाँ पे जे और क्वीन हो।
अब मेरा 7 का सेट तो रेंज हो रहा है, लेकिन भाई साहब और सिक्वेंस का कुछ कार्ड ही नहीं। अब देखो ये बंदा कितने गंदे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। ओके मेरे पास हर्ट में 7 आ चुका है। अब यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें? सो मैं यहाँ पे हर्ट जे भी डिस्कार्ड कर ही देता हूँ, क्योंकि बंदे ने एस पिक नहीं किया था तो जे पिक क्या ही पिक करेगा। लेकिन भाई ये बंदा जे पिक कर लेता है और इसी के साथ फाइनली